हुआ कि जब 4 साल से लाठी हम लोग खा रहे हैं तो फिर अभी यूपी और झारखंड और अदर स्टेट के लिए दे दिए हैं, ये तो उचित है नहीं। बिहार का अधिकार बिहार को दो, लेकिन हमारा सीएम नहीं देने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने लिए नहीं जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इसको पशुपालन मंत्री बनाना चाहिए, गाय भैंस का मंत्री बनाना चाहिए। अपना पीएम मटेरियल बनने के चक्कर में हम लोग का मतलब बलि का बकला बना रहे हैं। हम बाहरी लोगों को मौका लोग नरेंद्र मोदी को वादा खिलाफ बोलता है, वादा खिलाफ बिहार गवर्नमेंट है और इनसे बड़ा वादा खिलाफ कोई नहीं है। सबसे चोर यहाँ का शिक्षा मंत्री है। बिहार के हजारों युवा आज सड़क पर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनकी नाराजगी आखिर किन किन मुद्दों पर है, क्यों ये अभ्यर्थी घर छोड़कर आज पटना की सड़कों पर जुटे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्यों आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाराजगी हो गई? देखिए सरकार पहले जो भी शिक्षक वैकेंसी आया उसमें पहले तो डोमिसाइल की यहीं का स्थानीय रहेगा, बिहारी का है, लेकिन अभी तक 12-15 दिन हो गया है, 8 बार 9 बार संशोधन हुआ है। जो स्टूडेंट है छात्र है वो ये कंफ्यूज है कि कब क्या संशोधन हो जाएगा, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब 4 साल से लाठी हम लोग खा रहे हैं तो फिर अभी यूपी और झारखंड और अदर स्टेट के लिए दे दिए हैं, ये तो उचित है नहीं। संसाधन की कमी है बिहार में, एक तो वैकेंसी नहीं आती है जल्दी, उसमें 5 साल अलग से लगता है पूरा करने में, 5 साल 10 साल ऐसे ही लाइफ चला जाता है, ये जब भी खत्म हो गया। लेकिन हम सरकार से यही मांग करते, खासकर तेजस्वी जी से बोलना चाहते हैं कि आप चुनाव के पहले बहुत बड़े वादा करते थे कि हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, लागू होने के बाद आप सरकार में है तो आप एक बार भी आवाज़ नहीं को मुंह नहीं खुल रहा है आपका। हम तेजस्वी जी से विनम्र निवेदन है कि डोमिसाइल नीति फिर से लागू किया जाए। अमित कुमार गया। डोमिसाइल सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की है कि अभी तक जो बिहार के युवा थे उनको उम्मीद थी कि अपने राज्य में नौकरी मिलेगी, अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि बाहर के राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में इन लोगों को चिंता ये हो गई है कि फिर हमारा क्या होगा। क्या नाम है आपका? 220 किलोमीटर से हम लोग चंपारण से आए हुए हैं, जिस विश्वास को लेकर आए हुए हैं कि हम चलेंगे अपने सीएम से, हम अपने अधिकार को मांग करेंगे कि बिहार का अधिकार बिहार को दो, लेकिन हमारा सीएम नहीं देने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने लिए नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गणित का टीचर, साइंस का टीचर, अंग्रेजी का टीचर नहीं है। आप 18 साल से गद्दी पे है, आप बताइए कि आप शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है कि आपके यहाँ ये टीचर नहीं है? ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इसको पशुपालन मंत्री बनाना चाहिए, गाय भैंस का मंत्री बनाना चाहिए इसको। ये शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता है ये, और बिहार के बेरोजगार युवा परेशान हो रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। नहीं कुमार, हम लोग को अपना पीएम मटेरियल बनने के चक्कर में हम लोग का मतलब बलि का बकला बना रहे हैं। हम बाहरी लोगों को मौका दे रहे हैं, हम लोग बेरोजगार होकर मतलब कहाँ क्या जाए, हम लोग के पास सारा क्वालिटी है, योग्यता है, फिर भी बाहरी लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है? कह रहा कि यहाँ के शिक्षक नहीं जुटते हैं, कैसे नहीं जुटते हैं? यहाँ शिक्षक की संख्या बेरोजगार 5 लाख 6 लाख कम से कम बेरोजगार है, हम लोग बैठे हुए हैं, फिर बाहर हम लोग को खाली एक ही दिमाग है, डोमिसाइल नीति लागू करो यहाँ फिर से दोबारा। हमारी गवर्नमेंट मरेगी तो हम 85% नहीं 90% डोमिसाइल नीति लागू करके हम अपना बिहार के बच्चों को बहाली करेंगे। लोग नरेंद्र मोदी को वादा खिलाफ बोलता है, वादा खिलाफ बिहार गवर्नमेंट है और इनसे बड़ा वादा खिलाफ कोई नहीं है। सबसे चोर यहाँ का शिक्षा मंत्री है और यहाँ के गवर्नमेंट को अभी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। देखिए यहाँ से तुम यहाँ से सिंहासन खाली करो, अब हम लोग 7वें फेज के शिक्षक बंधु आ रहे हैं, हम ही लोगों में से कोई नेता बनेगा, हम ही लोगों में से कोई, हम ही लोग बिहार को सीधा करेंगे। किसी नेता पर किसी विश्वास नहीं है। 15 साल आपको बीजेपी ने हैरान किया, 15 साल लालू साहब ने परेशान किया। जब से नीतीश बाबू आए हम लोग की शिक्षा पे को उम्मीद लगा के कुछ चालू करेंगे, लेकिन लास्ट में आते आते ये ऐसे जाकर गर्क में बैठ गए जिससे हम लोगों के समझिए जिंदगी तबाह हो गई है। अब हम लोग के सामने एक ये है, आर होगा नहीं तो पार होगा, नहीं तो हम लोग का जो मिसाइल लग के लाऊ होगा। बहुत ज्यादा नाराजगी है शिक्षक अभ्यर्थियों में और इनका कहना है कि अगर बिहार में यही हालात रहे तो हम आवाज बुलंद करेंगे। 24 का चुनाव और 25 का चुनाव नजदीक है और इनकी नाराजगी बताती है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा चलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, इन छात्रों के मुद्दे पर हम और इनकी आवाज उठाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।